हेलो, वेलकम टू द क्वांट लैब। द क्वांट लैब में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में, जो एक काफ़ी पॉपुलर ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, हैव यू सब्सक्राइब टू माय चैनल? व्यूज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से बटन दबाइए। तो बैक टू सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड क्या होता है? सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। इसका मतलब कि वो ट्रेंडिंग मार्केट में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये इंडिकेटर ओलिवर सेबान ने दिया था एंड ये काफ़ी डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी वर्क करता है और मल्टीपल सिक्योरिटीज पे भी काम करता है। इसका मतलब आप इसको कमोडिटीज, फॉरेक्स, इक्विटीज, फ्यूचर्स किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 15 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आर्ली के लिए यूज़ कर सकते हैं, वीकली के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेली के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली प्लॉट और चार्ट के ऊपर प्लॉट किया जाता है। तो जल्दी से देखते हैं कि इसको कैसे प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वर्क कैसे कर रहा है और इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है। विल ऑल्सो लुक एट ATR। तो ये चार्ट ट्रेडिंग व्यू मैंने खोल लिया है। ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है। अब यहाँ पे इंडिकेटर में जाइए और सुपर ट्रेंड सेलेक्ट कर लीजिए, स्ट्रैटेजी नहीं, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इसको सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं। इसमें दो की पैरामीटर लिया जाता है। एक होता है ATR या फिर पीरियड, इसको बोलते हैं 10.3 या 10.2 या 15.3 या जो भी आप फैक्टर लेना चाहें। तो ATR लेंथ क्या होता है? वो यूजुअली पीरियड होता है, विच इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ डेज। ATR खुद में एक इंडिकेटर है, उसको भी हम लोग सुपर ट्रेंड के बाद समझेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कैसे यूजफुल है। तो ATR का शॉर्ट में समझें तो वोलेटिलिटी से काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। एंड में वीडियो के ATR पे बात करेंगे। दूसरा जो होता है फैक्टर होता है जिसको ATR से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये वैल्यूज़ मल्टीपल चेंज हो सकती हैं। तो आप सुपर ट्रेंड को कैसे यूज़ करेंगे? अगर आप देखेंगे कि ग्रीन और रेड है तो इसको रीड करने का तरीका ये है कि जब मार्केट बुलिश होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जब ट्रेंड ऊपर होता है, तो सुपर ट्रेंड ग्रीन लाइन दिखाता है। ग्रीन लाइन जब वो दिखाता है तो एक और चीज़ होती है, वो प्राइस से नीचे चलता है। और जब ये बेयरिश मार्केट में होता है तो ये प्राइस से ऊपर होता है। तो आप इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। आप सुपर ट्रेंड को दो तीन तरीके से लोग चेंज करते हैं। एक होता है ATR लेंथ फिक्स करने का, और फैक्टर को 2 कर लिया या फैक्टर को 3 कर लिया। जितना छोटा होगा उतना ट्रेडिंग सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे, जितना बड़ा होगा उतना आप यू नो फॉल्स ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं। तो 10 and 3 जो है वो काफ़ी पॉपुलर सेटिंग है। अभी हम लोग 10 and 3 पे रखने देंगे, लेकिन आप 14.2 भी कर सकते हैं, 5.1.5 भी कर सकते हैं। बट जैसे ही आप छोटे होते जाएंगे, इफ़ यू रिड्यूस द वैल्यूज, द बाय एंड सिग्नल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो अब आप इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कौन आपके फेवर में है, कौन नहीं है। जैसे इस चार्ट में तो बहुत ही अच्छे से सुपर ट्रेंड का आपको दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद रेंजिंग मार्केट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट रेंज कर रहा है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड को यूज़ करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा। ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड को यूज़ कीजिए आप ट्रेंडिंग मार्केट में, तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। इसका कोई फिक्स सेटिंग भी नहीं है। अब जितनी छोटी सेटिंग होगी, जैसे कि मैंने बोला, उतना रिएक्टिव होगा ये प्राइस के लिए, जितनी बड़ी सेटिंग होगा उतना ज़्यादा ये नॉइस कैप्चर करने लगेगा। अब ATR की कैलकुलेशंस में वगैरह नहीं जाते हैं, बट अब इसमें देखते हैं कि बाय सिग्नल और सेल सिग्नल को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इसमें भी आप क्रॉसओवर्स देख सकते हैं। जैसे ही रेड से ग्रीन हुआ आप बाय जनरेट कर सकते हैं, और जैसे ही रेड से ग्रीन हुआ आप इसको सेल जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको होल्ड करके सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी डाल देते हैं, उससे ये बाय एंड सिग्नल सेल सिग्नल दे देगा। ये 10.3 वाला है और कुछ भी नहीं है इसमें। मेरा बाय सेल लोड क्यों नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, इसमें 20% प्रॉफिट भी मिला है। अगर 6 months के डेटा पे देखें सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी को, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 5.1.5 पे कर लेते हैं। अभी भी कुछ नहीं आया, 1 year पे देख लेते हैं। हाँ, मल्टीपल आ गए, ठीक है। चलिए, तो 5.1.5 काफ़ी सारे इंडिकेटर्स इनपुट्स दे रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर आपको सेल और बाय सिग्नल देगा। लेकिन अगर हम एक स्ट्रैटेजी की बात करें, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होगी?
कि आप सुपर ट्रेंड को इन कंजंक्शन विथ अदर इंडिकेटर्स यूज करें। तो जैसे इसको भी मैं 10 और 3 पे ही ले लेता हूँ, 10 and 3। तो ये आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे जैसे इस जगह बाय इंडिकेट हुआ है। देखें, सिग्नल प्रॉपर्टीज स्टाइल ट्रेड्स ऑन चार्ट दिखा तो रहा है, बट ट्रेड रीड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। लेट्स जस्ट लुक एट दिस इन 1 सेकेंड, एक बार चार्ट को रीसेट कर लेते हैं और इसको हाइड कर लेते हैं। बट इस पर चार्ट पे आ नहीं रहा है ट्रेड फॉर सम रीज़न और दी अदर। यहाँ पे आना तो चाहिए बट ये चार्ट नहीं दिखा रहा है। तो प्रॉपर्टीज़ में या इनपुट्स में या कुछ चैलेंज होगा इसका। इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी करके देखते हैं, 15 मिनट में। अच्छा, ये नहीं वर्क करेगा 15 मिनट में या कुछ नहीं। ठीक है, उसी पे रहने देते हैं, 1 मिनट पे रहने देते हैं। तो अब मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था। जैसे तो अगर आप एक अच्छा सुपर ट्रेंड का स्ट्रैटेजी लेना चाहते हैं तो आप इसको मूविंग एवरेज के साथ यूज़ कीजिए। सो फॉर एग्जांपल, जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है, मतलब कि सुपर ट्रेंड इज़ बिलो द प्राइस एंड 5 EMA, विच इज़ 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज़ अबव 20 EMA, बाय सिग्नल जनरेट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा रूल है, सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, 5 EMA 20 EMA के ऊपर होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको भी प्लॉट करने की कोशिश करें तो EMA ऐड कर लेते हैं, डबल EMA ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। लेंथ, अच्छा ये DEMA, सॉरी, तो दूसरा हो गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो एक को हम लोग मान लेते हैं 5 और इसको दे देते हैं हम लोग थोड़ा सा थिकनेस वाइट कलर दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो मूविंग एवरेज है हमारा, इसको बोल देते हैं 20, और इसका स्टाइल भी कुछ येलो बना देते हैं, ठीक। तो अब हमें देखना है कि जहाँ जहाँ सुपर ट्रेंड येलो वाला 20 के ऊपर है और सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पे एक अच्छा बाय सिग्नल बनता है, उसके बाद सेल सिग्नल, जैसे यहाँ पे आप सेल ऑफ कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा आपने राइड किया कर्व ट्रेड को, ट्रेंड को। फिर से दूसरे ट्रेड पे देखते हैं। तो अगर हम लोग इसको पेंसिल से मार्क करना स्टार्ट करें क्विकली, तो पेन टूल एक हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद एक इस जगह पे भी हमें दिख रहा है। ये रेक्टेंगल हट क्यों नहीं रहा है? मैंने ना सारी रिमूव टू ड्रॉइंग्स, चलिए मैं ड्रॉइंग ब्लैक मार्क लेता हूँ। तो एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, और ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, राइट, जो ट्रेंड ऊपर जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, अगर आप देखें तो ट्रेंड राइड करने का है, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे फिर जैसे क्रॉस ओवर आया यहाँ पे सेल कर दिया। अगर आप किसी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर अच्छा खासा ट्रेंड इस टाइम पे आप देखे होते तो अच्छा मिल जाता। मतलब हमने देखा लगभग 540 पॉइंट्स से ये हो गया हाई, प्राइस हमारा 626 तक, मतलब गुड हंड क्लोज टू 80-90 पॉइंट, विच इज़ अ वेरी गुड गेन इन पीरियड ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। तो बहुत अच्छा स्विंग का सिनेरियो बनता है। तो इस तरीके से आप सुपर ट्रेंड को आप यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में भी। फ्री होता है काफ़ी, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसका चार्ज नहीं करता है, बहुत ही बहुत एक्यूरेट सिग्नल होता है अगर टाइमिंग अच्छी है तो। अब आप इस सिग्नल को
बाकी इंडिकेटर्स जैसे RSI है, स्टोकास्टिक है, उन सब के साथ भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन दो तीन में डिटरमाइन करना नहीं होगा, फिर मार्केट कंडीशन भी देखनी पड़ेगी एक्सेट्रा। आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा टाइम विंडो होगा सुपर ट्रेंड को यूज़ करने के लिए। चलिए, तो सुपर ट्रेंड के बारे में इतना ही। सुपर ट्रेंड की एक फाइनल बात, आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इसको एंट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकआउट डिटरमाइन करने के लिए भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग ATR देखेंगे, जो हम एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन होने वाली है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ATR, एवरेज टू रेंज, इसको हम लोग अलग से डालेंगे। तो अब ATR अगर आप देखें तो एक वोलेटिलिटी का इंडिकेटर है। ATR को अगर देखना है तो इंडेक्स को देखते हैं और निफ्टी को पकड़ लेते हैं। तो निफ्टी 50 का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो आप जैसे जैसे यहाँ पे आप इसका इंडेक्स नहीं दिखा रहा, अच्छा हाँ ठीक है, वोलेटिलिटी अगर आप इसको देखें तो ये एक तरीके से मार्केट के कर्व के साथ चल रहा है, जैसे यहाँ पे बहुत हाई था लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी कम थी तो यहाँ पे ट्रेड चल रहा था। ये आप देखिए, जैसे जैसे ये यहाँ ऊपर बढ़ रहा था वोलेटिलिटी इसकी ऑल्डो नीचे जा रही थी, राइट, इसका मतलब मार्केट कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड भी सपोर्ट कर रहा है, तो आप इसको यूज़ करके मार्केट रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पूरा इस टाइम पीरियड में, राइट, समहाउ इस टाइम पीरियड में प्राइस zigzag जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप नोटिस करेंगे, जो कि है हमारा, मैंने डाला है दिसंबर 2022 से 23 तक, एक ऑलमोस्ट फ्लैट तो नहीं बोलूँगा लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसी रेंज के बीच में, राइट, 18,192 यहाँ पे बीच में 16,000, तो ये कुछ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 16,000 वाला, बट अगर आप देखें तो ये भी एक अच्छा लेवल है, इतने के बीच में पूरा का पूरा इसने बाउंस किया। और इस पीरियड में आप देखें तो ATR जो है काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसकी वोलेटिलिटी एक तरीके से अच्छी है। तो ATR को यूज़ करके आप मार्केट में ये अंदाज लगा सकते हैं कि आपका वोलेटिलिटी कैसा है, और टेक्निकल एनालिसिस इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आपको डिप दिखेगा, जैसे ही आपको सडन सर्जेस दिखेंगे, आप ये समझ सकते हैं कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है या वोलेटिलिटी घट रही है। इसका फॉर्मूला होता है प्रीवियस ATR N-1 plus TR विच इज़ ट्रू रेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीरियड्स। फॉर्मूला में नहीं जाते हैं, आई थिंक आपको बड़े आराम से ATR का भी प्लॉट कहीं पे मिल जाएगा और इसको आप आराम से देख के मार्केट को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ATR और सुपर ट्रेंड काफ़ी साथ में हेल्पफुल होंगे अगर मैं अपने हिसाब से सोचूँ तो। जैसे अगर मैं इसमें वापस सुपर ट्रेंड ऐड करूँ तो मैं इसमें देखूँगा कि इसके कंजंक्शन में काफ़ी मिल रहा है, जैसे यहाँ पर जो मेरा साइडवेज था, मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं मिलूंगा, मैं देखूंगा कि वोलेटिलिटी भी का भी जो एवरेज है अच्छा हाई है, जो कि स्टॉक के कम, जैसे अभी वोलेटिलिटी काफ़ी लो पे है, ATR इसका काफ़ी लो है, तो ये बट यहाँ से फिर थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फिर ये साइडवेज में आ गया। तो ATR मार्केट को स्टडी करने के लिए अच्छा है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ATR प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्वांट लैब। क्वांट लैब में आने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियोस को, धन्यवाद।